इस टॉपिक में मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कुछ सर्च ऑपरेटर यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गूगल में से सर्च ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हैं मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक रेफरेंस लिंक आपके कोर्स में ऐड करवाऊँ जो जिस पे जाके आप काफ़ी लंबी लिस्ट एक सर्च ऑपरेटर्स की निकाल सकते हैं और उसको आप ख़ुद एक्सपेरिमेंट करके ख़ुद अंडरस्टैंड करके कि आपने कैसे उसको यूज़ करना है अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ताकि वो आपको बेनिफिट दे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कैशियो से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डिफाइन कॉलन अगर आप ये लिखेंगे और डिफाइन कॉलन के बाद आप कुछ भी लिख के गूगल में एंटर करेंगे तो गूगल आपको उसकी डेफिनेशन निकाल के देगा उसके बाद अगर आप कैशे कॉलन लिखेंगे कैशे में बेसिकली ये होता है कि कैशे हर पेज की एक कैशे गूगल सेव करता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूगल लास्ट टाइम कब आपकी वेबसाइट पे आया ये आपको पता ही नहीं होता ये कैशे डेट आपको बताती है आप अगर एक पर्टिकुलर जुआरल जुआरल जो है तो आप उसका देखना चाहते हैं कि कैशे डेट क्या है तो आप कैशे कॉलन लिख के आगे यू लिखेंगे तो गूगल आपको उसकी डेट वो बता देगा कि लास्ट टाइम गूगल ने उसको कब क्रॉल किया फिर फाइल टाइप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप निकालनी है मतलब पी फाइल्स या आपने पावर पॉइंट फाइल्स निकालनी है एक डॉक्यूमेंट निकालने हैं तो आप ये फाइल टाइप का कमांड यूज़ करके आप की लिखेंगे और आगे फाइल टाइप कॉलन आगे पी या जो भी आपने एक्सटेंशन फाइल की निकालनी है वो आप लिखेंगे तो आपको सारा डेटा गूगल अपने डेटा बेस में से उस कीवर्ड वर्ड की गेंस निकाल देगा जो जो उसके पास सेव्ड है फिर साइट कॉलन या अभी हम जैसे कि हमने देखा इसमें डॉट पी के की मैंने कमांड लगाई थी पहले जिसमें सिर्फ डॉट पी के रिजल्ट आए थे आप डॉट पी के अलावा डॉट कॉम या बाकी सारे एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर अपने कंप्यूटर की डोमेन भी लगा सकते हैं सो फॉर एक्जाम्पल आपके कंप्यूटर की डोमेन का नाम है एक्स वाई जी डॉट कॉम तो आप साइट कॉलन एक्स वाई जी डॉट कॉम लिखें और उसमें आगे कीवर्ड वर्ड लिख दें या उसमें आगे जो है इन टाइटल जो नेक्स्ट कमांड है उसको मिक्स करके इन टाइटल आप मोबाइल फ़ोन लिखते हैं तो गूगल क्या करेगा गूगल के डेटाबेस में जितने भी यू होंगे जो कि एक्सवाई जी डॉट कॉम के होंगे और उसके टाइटल में वो आपके कीवर्ड आ रहा होगा वो सारे आपको रिजल्ट में दिखा देगा जब ये आप कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप उसमें वो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक एक्सरे मशीन की तरह उनको पूरा स्कैन कर सकेंगे एक्जैक्टली exactly उनकी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है आपको डिग इन करके उसको पूरी की पूरी वेबसाइट को रिसर्च करने के बजाय आप पर्टिकुलर कमांड लगा के फ़िल्टर लगा के अपना डेटा गूगल के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं क्योंकि गूगल में उनकी पूरी वेबसाइट क्रॉल्ड होगी तो मैं आपको कुछ तो एग्जाम्पल लाइव अभी छोटी सी एग्जाम्पल्स दिखाऊँगा उसके बाद आप इसको ख़ुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आइए देखते हैं आप गूगल डॉट कॉम पर जाके कुछ भी सर्च करें सपोज कि मैं कैसे देखना चाह रहा हूँ स्मार्ट डॉट को जो कि मेरी डोमेन है और मैं गूगल में एंटर करता हूँ सो so, उम्मीद है कि गूगल मुझे मेरे यू आर का जो लास्ट में उसने इंडेक्स किया था वो दिखाएगा तो so, आप देख सकते हैं कि, कि गूगल का जो लास्ट कैसे वर्जन था गूगल ने वो लोड किया है मेरे पास उसने वो डेट भी बता दिया कि लास्ट टाइम गूगल ने मेरी वेबसाइट कब किस डेट को क्रॉल की थी और किस टाइम को क्रॉल की थी और वो वर्जन भी लोड करेगा आप ऊपर जू भी देखेंगे तो उसका जो आर एल वेब कैशे डॉट गूगल जूर कंटेंट डॉट कॉम जो आर एल भी चेंज हो गया है हालाँकि मैंने आपके सामने गूगल में कैशे कॉलन आगे अपनी डोमेन का नाम लिखा था तो ये जैसे ही गूगल इसको लोड करेगा ये वो वर्जन है जो गूगल के पास है इसका मतलब ये हुआ अगर कुछ दिन हो गए हैं और मुझे पता है कि मैंने कोई नया कंटेंट ऐड किया है वो कंटेंट इस वेबसाइट पे अगर आ भी गया है लेकिन गूगल के पास नहीं आया क्योंकि गूगल के पास जो कैशे वर्जन है वो पुराना है और जब तक कि वो नया वर्जन दोबारा क्रॉल नहीं करेगा उसके बाद नया वर्जन नहीं आएगा तो ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है जिस पर आप देख सकते हैं उसके बाद मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा जिसमें डिफ़ाइन की हमने बात की थी डिफ़ाइन अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं डिफाइन के बाद और कॉलन लिखें आगे फीलानसिंग को ही अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो मैं डिफ़ाइन कॉलन लिख के फिलानसिंग को लिख के एंटर करूँगा तो गूगल क्या करेगा उस कीवर्ड जो कि मैंने लिखा है उससे रिलेटेड डेफिनेशन निकालेगा जैसे कि आप देख सकते हैं उसने डिक्शनरी के तौर पे मेरी कमांड को एक्सेप्ट किया और इस ऑपरेटर ने असल में फ्री बेसिकली जो कि पेरेंट वर्ड है फ्री का वो दिखा दिया उसके बाद वो उसकी रिजल्ट दिखा रहा है और ना सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा है उसके बाद एक एरो का बटन है जिसको मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये कब से स्टार्ट हुआ है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो इंपॉर्टेंस है कैसे चेंज हुई वो ये बड़े इंटरेस्टिंगली एक ग्राफ शो करता है और इसके तहत आप ये देख सकते हैं कि फ्री कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है सो so, ये डिफाइन का ऑपरेटर है डिफाइन के ऑपरेटर के बाद एक और हमने बात की थी कि फ़ाइल टाइप का ऑपरेटर है सो फॉर एग्जांपल मुझे फ़ाइल टाइप पीडीएफ चाहिए गाइड चाहिए हाउ टू फॉर्मेट या हाउ टू ऑप्टिमाइज़ मोबाइल फ़ोन्स मैं रैंडम सर्च कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो मेन फोकस है वो फाइल टाइप कमांड है जिसको मैंने पी कमांड लिखा है इस कमांड के तहत अगर आप सर्च करेंगे लिखेंगे तो गूगल क्या करेगा वो ये सारे वर्ड्स ढूंढेगा उस पी फाइल में जो उसके पास इंडेक्स है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें सारी की सारी पी फ़ाइल्स हैं आप उसका टाइटल देखें तो आगे पी छोटा सा लिखा हुआ है जो गूगल बताता है कि ये फाइल है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको पी फाइल पर ले जाएगी और नीचे उसका यू भी दिखा रहा है इसी तरह से आप नीचे स्क्रोल करते जाएँ तो आप गौर करेंगे कि सारे के सारे जो रिज़ल्ट हैं वो पी फाइल्स के ही हैं यहाँ तक कि जो आखिर में ये रिजल्ट भी ये भी पी का ही है तो इससे आप पी कर लें डॉक कर लें पी कर लें जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर गूगल उसका रिजल्ट दिखाएगा जैसे मैंने डॉक किया तो आप देखेंगे डॉक के रिजल्ट आ जाएंगे और टोटल गूगल के पास कितने रिजल्ट हैं तकरीबन तो सतराह हज़ार तीन सौ रिजल्ट हैं गूगल के पास इस फाइल टाइप में और इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये कीवर्ड ओपन एंडेड है इसमें एक्जैक्टली exactly ऐसे नहीं आ रहा होगा किसी में ऑप्टिमाइज होगा किसी में मोबाइल्स होगा तो ये आपने बस देखना है कि अगर आपने इसको एग्जैक्ट कहिए तो आप इसको डबल कोट लगा के आप एग्जैक्ट कमांड दे सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly सारी फ्रेज़ जो है तरह से आनी चाहिए अब आई डोंट नो वो कितनी एक्यूरेट होगी वो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी उसने बताया कि उसको कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिला जिसमें ये कमांड एग्जैक्टली आ रही थी और ये बड़ा रैंडम था मेरा मेरी क्यूरी थी तो ये ऐसे होगी भी नहीं लेकिन कम अज़ कम आपको ये आइडिया हो गया कि किस तरह से गूगल इस ऑपरेटर को एक्सेप्ट करता है एज अ कमांड उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के साइट कॉलन अगर आपके कंप्यूटर की डोमेन है उसकी डोमेन पे जाके आप उसको सारी सारी यूआरएल गूगल में निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का साइट कॉलन ऊसमान डॉट को डोमेन लिखी है आप देखेंगे गूगल के पास जितने भी रिजल्ट्स हैं जो कि ट्वेंटी सिक्स हैं वो मुझे रिज़ल्ट शो करेगा कि ष्मान डॉट को के कितने जूलर हैं जो गूगल के पास हैं अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर स्पाई करना है उनको देखना है कि किस तरह से उनकी कितनी बड़ी वेबसाइट है या कितने जो है वो जूल उनके गूगल में इंडेक्सड हैं तो आप साइट कॉलन उनकी डोमेन का नाम लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा इसमें यह भी आपको मैं बताता चलूँ कि आप मल्टीपल जो हैं वो कमांड्स इकट्ठी भी कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओसमान डॉट को पर रहते हुए ढूंढना चाहूँगा कि कितने पेजेस के टाइटल में जो है कंसल्टेंट आ रहे हैं तो मैंने स्मान डॉट को डोमेन रहने दी और इन टाइटल की कमांड एक जो नया ऑपरेटर है वो यूज़ किया इन टाइटल जिसका मतलब कि टाइटल के में मुझे कंसल्टेंट चाहिए जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे बता रहा है कि तकरीबन आठ ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें स्मान डॉट को की डोमेन में से टाइटल में कंसल्टेंट आ रहा है सो so, आप अगर गौर से इसको सारा ब्राउज़ करें तो आपको नज़र आएगा कि आपके हर जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें हर एक में उस्मान डॉट को डोमेन से वो रिज़ल्ट आ रहा है क्योंकि डोमेन मैंने लिमिट लगाई उसके बाद इन टाइटल कन्सल्टेंट में कंसल्टेंट लिखा होगा जो कि आलमोस्ट मेरी टैगलाइन है जो कि आपको आलमोस्ट हर पेज पे ही मिलेगा जैसे कि आपने देखा कि गूगल सर्च ऑपरेटर से मैंने एक ऐसी अपने हाथ में जादू पैदा कर लिया कि मैं गूगल में ही ऐसी इंफॉमेशन निकाल सकता हूँ जो आम लोगों तक अवेलेबल नहीं है आम लोग बड़ी टिपिकल सर्च क्वेरीज करते हैं सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं जो पावर यूज़र्स हैं वो उनको ये पता है कि गूगल को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है क्योंकि गूगल का इस्तेमाल प्रॉपर्ली करना भी लोगों का नहीं आता हम तो गूगल पे रैंक करने की बात कर रहे हैं सो एज़ एज एन एस एक्सपर्ट अगर आप ये सर्च ऑपरेटर्स को अपने हिफ़्स कर लें और इस इन सर्च ऑपरेटर्स को आप यूज़ करके अपने कंपैटर्स या अपनी वेबसाइट की प्रॉब्लम्स भी निकाल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी पेजेस डेड हैं और उस पर फोर ओ फोर एर आ रहा है या आपके आ, कोई भी वेट किस्म की आपके पेजेस हैं जो आपको लगता है कि आ, 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 आप हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में हो तो आप वो पर्टिकुलर अपनी डोमेन को लिमिट करके साइट कॉलर आपकी डोमेन का नाम डॉट कॉम या जो भी आपने डोमेन रखी है वो रख के आगे आप उसको इन टाइटल या इन जू आर एल आप उसकी कमांड लगा के वो पर्टिकुलर जू आर एल फैच करके आप उसको देख सकते हैं कि गूगल ने क्या उनको ट्रीटमेंट दिया और यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल आपने एस एस एल इंस्टॉल किया है और आपकी कुछ पेजेस एच हैं और कुछ कुछ पेजेस एच हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने साइट कॉलन लगा के इन जो आर सर्च कर सकते हैं कि तो कितनी वेबसाइट में अभी तक एस या कितने पेजेस में अभी तक एस अपडेट नहीं हुआ गूगल के बीच में तो ये बड़ी रैंडम सी वेड सी एग्जाम्पल्स मैं तो आपको देता चला जाऊँगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बेशुमार बेशुमारेरीओज में हो सकता है आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए सर्च ऑपरेटर्स या गूगल कैसे हेल्पफुल है इन कमांड्स को याद करके इनको अंडरस्टैंड करके इनको इनोवेटिव इनोवेटिव तरीक़ों से अगर आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी राइट right इन्फॉमेशन आपके बिल्कुल सामने फ़ौरन आ जाएगी जो कि बाकी लोग महीनों लगाएंगे या बाकी लोग एक uh, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टूल्स बाय करेंगे आप ये टूल ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से ही uh, हासिल कर सकेंगे